नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। जिस प्रश्न की हम बात करेंगे पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है यदि मूलधन पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपए है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपए है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी मूलधन था कोई राशि, उसको जब दिया गया काय पे दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज पे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो पहले वर्ष जो ब्याज प्राप्त हुआ वह था 200 रुपए और दूसरे वर्ष जो ब्याज प्राप्त हुआ वह था 240 रुपए, ठीक है। तो पहले वर्ष 200 और दूसरे वर्ष 240, यानी इस 200 रुपए पे कितना ब्याज मिला, इस 200 रुपए के कारण 40 रुपए अधिकतम ब्याज हमें मिला, ठीक है। क्योंकि अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो 200-200 ही मिलता जाता, लेकिन हमने कंपाउंड निकाला तो इस ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज मिल गया, ठीक है। तो अब हम इसी की सहायता से और सिंपल इंटरेस्ट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको मानेंगे हम मूलधन, यानी पी किसको मानेंगे 200 को, एस आई किसको मानेंगे 40 को, टाइम मानेंगे 1 ईयर और हम यहां से रेट को कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो रेट बराबर क्या होता है, एस आई मल्टीप्लाई 100 भागे पी मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। एस आई की वैल्यू है 40 गुणा 100 भागे 200 गुणा 1, 100 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 20 बार जाएगा। तो रेट कितना निकल के आया, रेट निकल के आ गया 20%, ठीक है। भले ही हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया हो, लेकिन ब्याज की दर कितनी निकल के आ गई, ब्याज की दर निकल के आ गई 20%, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको सीधे सीधे इसी मेथड से कैलकुलेट कर देना है। आपको ना तो कोई मूलधन की जरूरत पड़ी, ना कोई मिश्रधन की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ ब्याज की दर पूछी है। तो ब्याज की दर सिंपल सी बात थी, तो जो पहले वर्ष की अपेक्षा दूसरे वर्ष ब्याज मिला, इसमें जो अधिकतम ब्याज मिला वो पहले वर्ष के ब्याज के कारण मिला। पहले वर्ष का ब्याज 200 था और दूसरे वर्ष अधिकतम कितने रुपए मिले 40, तो 40 हमारा हो गया इंटरेस्ट, 200 हो गया मूलधन, टाइम 1 ईयर का हो गया, रेट इस फॉर्मूले से हमने निकाल दिया 20%, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।